नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की और भाजपा के रिश्तों की। नीतीश कुमार ने क्या क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या क्या किया। तो आपने देखा होगा हाल के दिनों में ललन सिंह ने जब ये खुलासा किया कि नीतीश कुमार चाहते थोड़े ही थे, उनको तो ज़बरदस्ती सीएम बना दिया। इसके बाद नीतीश ने इसकी तस्दीक भी की तो थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा। वैसे पलटी मारने के लिए कुछ न कुछ कारण बताने पड़ते हैं, पर किसी को न चाहते हुए ज़बरदस्ती सीएम बना दिया जाए ये थोड़ा समझ से परे है। अच्छा, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध को नीतीश कुमार न ठुकरा पाए हों, आदर और सम्मान करते हुए मान गए हों, या मना करने की आदत नीतीश कुमार में न हो, ये भी हो सकता है। 2017 में भी जब वो लालू से अलग हुए और सुशील मोदी उनके घर पे समर्थन का पत्र लेकर पहुंचे, तो भी वो कहाँ मना कर पाए थे, उन्होंने मना किया ही नहीं, सम्मान किया। तो मोदी का सम्मान वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो 2002 से कर रहे हैं जब गुजरात में दंगे हुए थे। आपको याद होगा तब मौसम वैज्ञानिक जो कहे जाते थे रामविलास पासवान, वो भले ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से अलग हो गए हों, लेकिन नीतीश कुमार जमकर डटे रहे। इसलिए माना जा सकता है कि 2020 में लोकप्रियता के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे नीतीश मना नहीं कर पाए हों, और हुआ हो कि चलिए सीएम बन जाता हूं, मोदी जी बोल रहे हैं, वो सीएम बन गए। अब ये बताइए, सीएम ज़बरदस्ती बनाए जा सकते हैं? नो डाउट, हो सकता है अगर मान लिया जाए। इस्तीफे के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, राजभवन टहलते हुए जाते और इस्तीफा दे देते, कह देते कि नैतिकता इजाजत नहीं दे रही है, अब भाजपा से सीएम बने, बड़ा भाई है तो उनको बनना चाहिए। 2 साल हो भी गए थे लगभग, सीएम हाउस और राजभवन के बीच आपको बताऊं पटना में ज़्यादा दूरी भी नहीं है, और उस बीच में कोई हाईकमान आके भाजपा का बैठ जाता कि कहाँ जा रहे हो, इस्तीफा नहीं देने दूंगा, ऐसा भी नहीं है। तो और अब जब वो तेजस्वी के साथ चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू के विधायकों में कोई इजाफा हो गया है, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा ने उनकी संख्या घटा दी है, तो बढ़ी कहाँ है अभी। अच्छा, ललन सिंह ने जब ये जिक्र किया तो उन्होंने अरुण जेटली का भी जिक्र किया, और बड़े ही सिलेक्टिव अंदाज में। ललन सिंह वो कहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जेटली जी से मिलने गए थे तो बोले पटना में कोई सुशील मोदी का फोन भी नहीं उठाता है, कुछ देखो। मैंने उनके कहने का अंदाज़ा ऐसा था जैसे मानो अरुण जेटली उनसे मदद मांग रहे हों। अच्छा, वो भूल गए कि नीतीश कुमार को बिहार में खूंटा ठोकने और सीएम बनाने के लिए जेटली ने क्या क्या किया। शायद पूरी की पूरी जो राजनीतिक विरासत नीतीश कुमार की लालू विरोध की जमीन पर खड़ी की गई वो भी वो भूल गए। लेकिन अब क्या करें, पटना का मौसम तो आजकल बदला बदला सा है। अब क्या पता ये भी सुनने में आ जाए कि नीतीश कुमार समता पार्टी थोड़े न बनाना चाहते थे, केंद्र में मंत्री थोड़े न बनना चाहते थे। खैर, अब वो तो चलता रहेगा। यही नीतीश कुमार 1995 के चुनाव में जब 7 सीटों पर सिमट गए थे और अपने परम मित्र, तब अब तो ज़्यादा दिन मित्र उनके परम नहीं रहते, ज्ञानेंद्र ज्ञानू के घर पर आंसू बहा रहे थे और राजनीति से संन्यास की बात कर रहे थे, यही नीतीश कुमार, लेकिन लोकसभा के चुनावों में भाजपा के साथ हमेशा टॉनिक ग्रहण करते रहे 90 के दशक में, चाहे 1996 हो, 98 हो, 99 हो। 2000 के विधानसभा चुनाव में तो जो नीतीश को मात मिली, जिसमें 7 दिनों के भीतर उनको इस्तीफा देना पड़ा, संख्या बल साथ नहीं था, हालांकि तब भी अटल जी ने उनको मौका दिलवाया था, सीएम की शपथ ले ली थी, फिर भी वहाँ बात नहीं बनी तो केंद्रीय कैबिनेट में भाजपा ने जगह दी। लेकिन वो दिल्ली से बिहार पर नज़र गराए बैठे थे। गोधरा के बाद जब दंगों की आग में गुजरात जल उठा तो फैसला नीतीश को करना था, सेक्युलरिज्म के नाम पर, जिस 3C की वो चर्चा करते हैं। लेकिन लालू से लगातार मिली मात के बाद नीतीश की नज़र सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी पर थी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश ने ऐसा लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी किताब ब्रदर्स बिहारी में महाभारत का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद अर्जुन की तरह उनको अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था, गांधी, गोधरा, गुजरात उनके नेपथ्य में था, कुछ नहीं बिहार में सीएम की कुर्सी। और आज की जो हालात हैं
वो कैसे मैच करते हैं उनके मिजाज से, जब हम सन 2000 की चर्चा कर रहे हैं तब। अब देखिए, 2005 में दो बार चुनाव हुए बिहार में, पहली बार तो कोई बहुमत नहीं हासिल कर पाया, लेकिन किस्सा दिलचस्प है। उसमें जेडीयू और भाजपा ने जबरदस्त तैयारी की थी। झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार विधानसभा में 243 सीटें उस समय रह गई थी। अलग राज्य बनाने का क्रेडिट अटल सरकार ने लिया था और इधर लालू ने बिहार में इसको भुनाने की कोशिश भी की थी। लालू यादव तो यहाँ तक बोल गए थे कि वनांचल मेरी लाश पर बनेगा, तो वो कहते थे 70% रेवेन्यू तो चला ही गया, अब बीजेपी नीतीश ने बिहार में छोड़ा क्या, जनता को इसका हिसाब करना चाहिए। इसके अलावा राबड़ी सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ और था भी नहीं, क्योंकि जिस तरह की दशा से और दिशा से बिहार उस समय गुजर रहा था हम सबको मालूम है। शिक्षकों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए सैलरी नहीं थी, खजाना पूरा खाली पड़ा था, चारा घोटाले की लौ तेज हो रही थी। नीतीश कुमार ने इसको हवा दी, नतीजा सामने आया। जब चुनाव हुए तो लालू के हाथ से एक तरीके से बिहार फिसला पहले चुनाव में, लेकिन जीता कोई नहीं क्योंकि पूर्ण बहुमत में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। लालू को 243 में 75 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा और जेडीयू ने 92 सीटों पर परचम उस समय फहराया था। स्पष्ट बहुमत से 30 कदम दूर वो रह गए थे। फिर जब नई दिल्ली में कोई हिमायती सरकार भी नहीं थी जो कुछ जोड़ तोड़ कर इनको कुछ मदद करवा सके, किसी भी तरह उन्हें सत्ता दिला दे, ऐसा कोई चांस उनको लग नहीं रहा था। ये बहुत ऐसी परिस्थिति थी। उससे एक साल पहले ही आपने देखा होगा कि शाइनिंग इंडिया की मार जो है वो भाजपा को पड़ी और अटल जी की सरकार चली गई थी। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, लालू यादव तब रेल मंत्री बन गए थे, केंद्र में उनकी चलने लगी थी। बिहार में पत्ता खड़काना नीतीश बाबू के लिए कोई आसान काम नहीं था। तो एक तरीके से कांग्रेस के गठबंधन का लालू यादव एक महत्वपूर्ण पुर्जा थे और बेहद करीबी हमेशा रहे 10 जनपद के, क्योंकि उन्होंने कभी भी सेक्युलरिज्म से समझौता किया नहीं। भले ही नीतीश कुमार ने सिद्धांतों से कैसे समझौता किया हमने देखा। उस समय 29 सीटों के साथ रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके पास सत्ता की कुंजी थी। अच्छा, उन्होंने खुद कह भी दिया, पासवान ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि वो एक तरीके से उनकी पार्टी बाजार में है और मुंह मांगी कीमत के बदले तैयार है, कोई भी ले ले उनसे समर्थन। कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी, डिप्टी सीएम की, सीएम की। लेकिन नीतीश को हमेशा संशय था, जो 2000 में उनके साथ हुआ जब 7 दिनों के लिए वो सरकार बनाए, वो चाहते नहीं थे कि दोबारा उस तरह की स्थिति उनके लिए आए। खैर, एक बार फिर लालू और राबड़ी के खिलाफ फैसला तो गया था, लेकिन ये पूरी तरह से फैसला था नहीं नीतीश के समर्थन में। इस बीच क्या होता है, नीतीश और बीजेपी के बीच पुल का काम कर रहे अरुण जेटली, उनकी तीव्र इच्छा थी कि गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मौका था, बड़े गठबंधन के रूप में तो उभरे ही थे संख्याबल के हिसाब से। इसके बाद उन्होंने एक कोशिश की, छीन झपट का एक और चक्कर चला, पूरे देश में तब चलता था और आज तक हमने देखा है कि रिसोर्ट की पॉलिटिक्स होती ही है, रुकी नहीं है। तो पासवान के झुंड में से था कि कम से कम 29 में से 16 निकालो, और ये जो 16 विधायक थे उन सही में वो विधानसभा भंग किए जाने के बजाय एक कीमत लेकर कहिए या जो भी कहें, वो अलग होने के लिए तैयार बैठे थे, और ये मौका भुनाने की कोशिश की भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए। अरुण जेटली ने लगभग अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपने दो सिपह सालारों सरयू राय और अपने युवा बिहारी लेफ्टिनेंट संजय झा को ये काम सौंपा था। तब बहुत दिलचस्प किस्सा है, दोनों लोजपा और निर्दलीय मिलाकर 31 विधायकों को ले भागे, संजय झा और सरयू राय। इन विधायकों को अलग अलग गुटों में झारखंड ले जाया गया। उधर जेटली और नीतीश
सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहे थे। आपको पता होगा अरुण जेटली एक महारथी थे, लीगल फील्ड में भी कानून की और संविधान की समझ बहुत थी। उधर सरयू राय एलजेपी के करीब 12 से ज़्यादा विधायकों के गुट को अपने साथ हाँक कर पटना से रांची ले गए थे। उन सबको वहाँ कांके रोड पर एक होलीडे होम है, होटल, वहाँ पर ठहराया गया। उधर संजय झा दूसरे गुट को जमशेदपुर की ओर जाने वाली सड़क पर एक जंगल भरे इलाके में दो गेस्ट हाउस था, वहाँ पर रखा। एक का नाम था दसवां माइल स्टोन, टेंथ माइल स्टोन कहिए, और एक हिलव्यू रिजॉर्ट, वहाँ टिका दिया। हुआ यूँ कि मीडिया, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल की भी भनक थी ही, थोड़ी भनक लग गई। सारा खेल चौपट हो जाने के अंदेशे से राय और झा ने उन सभी विधायकों को घाट शिला के जंगल में काफ़ी अंदर शिफ्ट कर दिया। एक फार्म हाउस था वहाँ, ताकि रामविलास को या फिर लालू यादव गुट को इसकी भनक न लगे और विश्वास मत के दिन उनको दोबारा पटना लाया जाए। इस बीच एक थोड़ा सा खेल होता है पटना में। लोजपा की दो महिला विधायक सुनीता चौहान और पूनम यादव, उनको लगा कि उन पर दल बदल के लिए दबाव पड़ेगा, तो पासवान ने कुछ जोर लगाया और बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने उन दोनों महिलाओं को एक स्पेशल प्लेन, विशेष विमान से दिल्ली जाने की मंजूरी दे दी और वो दोनों दिल्ली आ गए। तो यह शहमात का खेल चल रहा था, किसके लिए चल रहा था और भाजपा अगर प्रयास कर रही थी तो किसके लिए कर रही थी, ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। वो जनपथ होटल में ठहरे दोनों जो महिला विधायक थे, पासवान के आदमी वहाँ पर खुद मौजूद थे और इसका जिक्र संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब में किया है। इधर दोनों विधायकों को वापस लाने के लिए जेडीयू के दो नेताओं नागमणि और रणवीर यादव को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान से तुरंत उनके पीछे रवाना किया गया। उनको भनक लग गई कि पटना एयरपोर्ट से वो गई हैं और ये लोग भी भागे पीछे। अरुण जेटली ने अपने सचिव ओम प्रकाश को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा था कि वे दोनों महिलाएं जनपथ होटल छोड़कर तब तक न जाएं जब तक उन्हें वापस लाने के लिए पटना से भेजे गए लोग वहां नहीं पहुंच जाते हैं, यानी रणवीर यादव और उनके साथ जो गए थे। तो बहुत दिलचस्प मोड़ ले रहा था, बहुत तेज़ी से, और नीतीश कुमार को ये सब याद होगा क्योंकि वो तो इसके मुखिया रहे हैं पूरे प्रकरण के। तो इस थिएटर के सारे किरदार आस लगाए हुए थे कि उचित समय आए और खेल हो जाए। खुद को बिहार का शेर कहने वाले लालू को उन्हीं की माद में मात देने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन शेर तो शेर होता है। तो वो पहले भी नहले पर दहला मार चुके थे और नीतीश को निस्तेज कर चुके थे। मनमोहन सरकार में मंत्री लालू यादव ने लचीले स्वभाव के लिए बूटा सिंह का पर उनको उन पर दबाव बनाया और उनको कहा कि विधानसभा भंग करिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए उनको राजी कर लिया। एनडीए ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और नीतीश अपने पक्ष में समर्थन साबित करने के लिए 126 विधायकों को साथ लेकर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के आगे परेड भी कराई, लेकिन ये तय कर लिया था कि अब इस स्थिति में वो जॉर्ज और जेटली दोनों को उन्होंने बता दिया कि भाई सरकार अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब बहुत हद हो गई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ आया, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में दो ब्लास्ट हुए, शाम को बैठक हुई, कलाम रूस में थे और वहाँ फैक्स भेजकर वहाँ पे जो फैसला कराया गया उसको कोर्ट ने गलत माना, लेकिन नीतीश ने कहा कि नहीं, अब हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। तो अब तब क्या होता बिहार में 2005 में, वो जून की बात है, मई जून की, दोबारा चुनाव होते और दोबारा चुनाव फिर हुआ, उसकी तैयारी हुई और तब अरुण जेटली ने अटल बिहारी वाजपेयी से रणनीति बदलने की अपील की। उन्होंने अटल जी को इस बात के लिए मनाया कि अब चुनाव से पहले हमें ये तय करना होगा, घोषित करना होगा कि नीतीश कुमार NDA गठबंधन की तरफ से CM पद के उम्मीदवार हैं। अटल जी ने ऐसा ही किया, वो बिहार गए और वहाँ की एक सभा में ऐलान कर दिया कि अगर हम जीते तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। तब से अब 8वीं बार नीतीश कुमार CM पद की शपथ ले चुके हैं, 7 बार तो भाजपा के साथ ने ही ये सुनिश्चित किया
ये आपको पता है, सबको पता है। इसलिए जेटली की अधूरी कहानी सुनाने वाले ललन सिंह को ये तय करना चाहिए कि किसने किसको बनाया और बिगाड़ा, ये सही ढंग से सामने आकर पेश करें। आज के लिए इतना ही। शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।